हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज की। क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सन के लिए। सबसे पहले देखते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, जो कंपनी इंश्योर करती है कि ये रूल्स और रेगुलेशन हमको फॉलो करना है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करना। वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो CIA के अंदर आते हैं, और CIA इस चीज को इंश्योर करती है। CIA का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तो फिर लास्ट तक देखते रहिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंपनी का। ऑब्जेक्टिव सभी कंपनी का एक ही होता है कि उनको जितने भी डिजिटल एसेट उनके पास है, मतलब डिजिटल एसेट का मतलब क्या है कि जो यूजर का डेटा, मोबाइल नंबर, जीमेल एड्रेस जो भी है उनके पास, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, और एक रूल्स और एक गाइडलाइंस के थ्रू। ये नहीं कि पता चले कि कोई भी एम्प्लॉय आके या बाहर का भी आके उस चीज को ऐसे छेड़खानी कर ले, वैसे नहीं। एक रूल होना चाहिए, उस रूल को फॉलो करके ही उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। स्कोप क्या होता है इसका, क्या होता है कि कभी कभी वेरीज बहुत ज्यादा करता है। स्कोप का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए मेरा स्कोप पहले ये हुआ कि मेरा पहले कौन डेटा मैनेज करता था, हो सकता था सिर्फ मैनेजर को एक्सेस था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो कभी कभी चेंज हो गया। अभी क्या है कि मैनेजर भी उस चीज को अब एक्सेस कर सकता है, अब एम्प्लॉयज भी एक्सेस कर सकते हैं। जब मैनेजर ही सिर्फ एक्सेस करता था, उस टाइम पे फ्रॉड के केसेस ज्यादा होते थे। जैसे इंडिया में आप रहते हो तो जानते होंगे कि जो लोग मैनेजर से ज्यादा क्लोज होते हैं, इन द सेंस कि चाहे वो कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, जो सपोज कर लीजिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने गए, अगर वो इंसान मैनेजर के क्लोज है तो मैनेजर उसको लोन दे देगा, और उसमें से क्या होता है कि जैसे वो कुछ परसेंटेज ले लेता है उसका, लेकिन अगर वही ओपनली होगा तो वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि अदर, जैसे कि मान लीजिए आप मैनेजर से नहीं है तो अदर एम्प्लॉयज को भी इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि उसका पैसा कहाँ गया, क्योंकि पहले मैनेजर के पास था। तो इस चीज को सब क्या होता है कि हायरार्किकली वैरी करता है। तो डिपेंड करता है कंपनी किस हिसाब से स्कोप अपना बना रही है, कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें उस स्कोप में आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए अगर मेरी कंपनी में एक नया रूल आया कि अब डेटाबेस सिर्फ दो चार लोग ही एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा कि सबको उस पॉलिसी से या फिर उस एग्रीमेंट से एग्री होना पड़ेगा, इन द सेंस उनको अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा। वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिए कि हाँ ये अब से यही एक्सेस करेगा, ऐसे नहीं। आपको एक रिटन फॉर्म में नोटिस मिलना चाहिए, ताकि और उस पे सिग्नेचर होना चाहिए उन उन एम्प्लॉय का जो इस बात से एग्री है, और उस चेंजेस को अप्लाई करना चाहिए। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ तुरंत नहीं हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ भी पक्ष में, उन सारी चीजों को देखकर ही एक इम्प्लीमेंटेशन तैयार किया जाता है, कि जिससे सारे मोस्टली लोग एग्री हो जाए। ये सब क्योंकि जानते हैं मोस्टली लोग तो एग्री नहीं होते, लेकिन कोशिश ये रहती है जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री हो सकते हैं वो सारे लोगों। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन में बी ऑर्गेनाइज्ड। ट्रेनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अभी नया सिक्योरिटी का कुछ भी चीज आया, अभी मान लीजिए हम सिर्फ विंडोज के बारे में जानते हैं, अगर आपको काली के बारे में जानना होगा तो आप क्या करेंगे, कोई वीडियो खोजेंगे और यूट्यूब पे चाहे मुझे से पढ़ेंगे, तो अभी क्या होगा कि उसमें आप एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपनी स्किल को इवोल्यूशन मतलब इन द सेंस कि उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वो चीज होती है ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन। ये कंपनी सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, इवन कई कई कंपनीज तो ट्रेनिंग पर्सन को हायर करती हैं फॉर 1 वीक 2 वीक, डिपेंड अपॉन दियर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपेंड अपॉन दियर ट्रेनिंग पीरियड, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। इफ डेटा बेस टू बी नीड, देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको जरूरत है कि हम डेटा बेस को इनक्रिप्ट करें, इनक्रिप्ट का क्या मतलब होता है, सिक्योर करें, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जिस उस जो कंपनी में काम कर रहा है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर बोल सकते हैं कि उस कंपनी के मैनेजर या जो उस इंक्रिप्शन लगा रहा है उसको सारे एम्प्लॉयज को बताना होगा, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयज को जरूरत हुआ, कुछ एक्सेस करना हुआ, तो उस चीज को आराम से एक्सेस कर सके। ये चीजें सबको अवेयर होना चाहिए कि नहीं आज से इंक्रिप्शन लग रहा है, आज से नई पॉलिसी बन रही है, आज से नया रूल बन रहा है, वो सारे लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, तो अगर आपके स्कूल में कुछ नया रूल बनता है, सबसे पहले वो किसको पता होता है, टीचर को पता होता है, फिर टीचर के थ्रू आपको पता होता है, तो क्या होता है कि वो सारे बच्चों को पता होता है कि उस रूल का वायोलेशन करने पे आप पे चार्जेस लग सके या फिर आप पे फाइन इम्पोज हो सके। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर हम कोई भी इंक्रिप्शन या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, तो हमको उस रूल रेगुलेशन के बारे में हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। पीपल आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, पीपल आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप
एक पर्सन को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा कि वो एक तरीके से आपके लिए वल्नरेबिलिटी है, वो अपनी डेटा को कहीं और भी दे सकता है, आपके डेटा को किसी और को भी बता सकता है। तो जो क्या होता है, हम लोग सिस्टम को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पता चला आपके कंपनी में भी काम कर रहा है और दूसरे कंपनी के लिए भी काम कर रहा है, तो वहां पर वो वीकेस्ट पार्ट हो जाता है डिफेंस के लिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं खराब वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि ट्रस्ट होना एक कंपनी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस कंपनी में ट्रस्ट नहीं होता एम्प्लॉयज पे, वो कंपनी जल्दी ही खराब हो जाती है। स्ट्रीम लाइन विद कंपनी प्राइमरी एंड गोल स्ट्रेटजी। मान लीजिए अगर हम किसी कंपनी में गए तो जो मेरा गोल है सेम कंपनी का गोल भी होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। मान लीजिए आप हम अगर कोडिंग वाले फील्ड से हैं और हमको भेज दिया गया मार्केटिंग में, तो हमारा गोल और स्ट्रेटजी दोनों डिफरेंट होगी, क्योंकि हम सिर्फ कोडिंग ही करना जानते हैं, लोगों से बात करना उतना नहीं जानते। तो उस चीज पे क्या होता है कि हमारा फ्लो बिगड़ जाता है, तो उस फ्लो को मेंटेन करके ही हमको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। ओनली एप्लीकेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री और ऑफ अथॉरिटी। क्या होता है, जितने भी रूल रेगुलेशन बनेंगे वो सिर्फ कंपनी के अंदर ही रहेंगे, कंपनी से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मान लो इंसान अगर बाहर चला गया, मतलब इन द सेंस अगर वो छुट्टी पे है, तो अब उसको तो रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से जो कंपनी के अंदर बाउंड्री में है, सिर्फ उसी को उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर होगी कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज में पढ़ते क्या 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 चीजें समझते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको लिनक्स के बारे में बताने वाला हूँ और वहां से आपका रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। पहले तो मैं बेसिकली लिनक्स, सारे लिनक्स को कवर करूंगा, लाइक काली लिनक्स, पैरट लिनक्स, आर्च लिनक्स हो गया, ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूँ। कवर करने के बाद फिर मैं आपको अदर चीजें भी पढ़ाऊंगा, लाइक उनमें क्या क्या कमांड है, उनका इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, वर्क प्लेस क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, पावर सेल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।